बेरीनाग तहसील कार्यरत एसडीएम बीएस फोनिया का बेरीनाग से स्थानांतरण होने की सुगबुगाहट होते ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत और भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भेजकर बताया कि लंबे समय के बाद बेरीनाग में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति हुई है और वर्तमान में आपदा का समय होने के साथ ही बेरीनाग चैकोड़ी की भूमि पर सरकार के लिए रिपोर्ट बन रही है। स्थानांतरण होने से यहां के लोगों को समय पर स्थानांतरण होने से यहां के लोगों का समय पर प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के साथ साथ अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शीघ्र यहां से स्थानांतरण रोकने की मांग करते हुए जबरन स्थानांतरण करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लाइव उत्तराखंड के लिए बेरीनाग से प्रदीप महारा की रिपोर्ट। एक वर्ष में बेरीनाग तहसील में 4 या 5 बार एसडीएम का ट्रांसफर हो चुका है। जब भी कोई नया अधिकारी आता है तो उसको क्षेत्र को समझने में, क्षेत्र की समस्याओं को समझने में कुछ समय लगता है और जब तक वो क्षेत्र की समस्याएं समझ पाते हैं तब तक उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अभी वैसे भी हम देख रहे हैं बरसात का समय है और आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों में घटित होती रहती हैं, तो ऐसे समय में बेरीनाग क्षेत्र में अधिकारी का ट्रांसफर करना अनुचित है। और वैसे भी चूंकि बेरीनाग का भूमि संबंधी जो विवाद है इसका समाधान तलाशा जा रहा है, तो उसमें एसडीएम साहब को इस बारे में काफी जानकारी है, इन्होंने कार्य किया है, तो इनके जाने से फिर जो नए एसडीएम आएंगे उनको फिर समस्या होगी। और हमें हर अभी मैं शासन से कहना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद बेरीनाग तहसील को एक स्थायी एसडीएम मिले हैं और इतनी जल्दी इनका ट्रांसफर करना अनुचित है। और अभी आपदा का समय भी है और यहाँ बारिश भी काफी हो रही है और जो स्थायी निवास प्रमाण बनने हैं बच्चों के सारे काम होने हैं उसके लिए भी एसडीएम साहब को यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने प्रदेश मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, माननीय विधायक से भी निवेदन करूंगा कि उनका ट्रांसफर तत्काल रोका जाए। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।